वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नूरे रमजान व्यूअर्स। एक बात आपके साथ शेयर करनी है। इंसान को अपनी औलाद से तो प्यार होता ही है, अपने भाई बहन माँ बाप से, लेकिन हमारे जो नीसेज एंड नेफ्यूज होते हैं, जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, उनसे एक मुख्तलिफ किस्म का प्यार और लाड होता है। भाई की औलाद अपनी औलाद जितनी शायद अपनी औलाद से ज़्यादा प्यारी होती है। क्यों? क्योंकि भाई आपका लाडला होता है। और मेरे ख्याल से अल्लाह ताला बड़े ही खुशकिस्मत लोगों को बेटियों से नवाजता है जो उसके दिल के करीब होते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, सैयद फरहान अली वारिस, अल्लाह ताला ने उनको दो प्यारी प्यारी बेटियों से नवाजा है। और बड़े दिनों से मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, बल्कि मिन्नतें तरले कर रही थी कि प्लीज़ मुझे मेरी नीसे से मिलाएं, क्योंकि ये उनकी फुफ्फो से पहली मुलाकात होगी। तो आज सैयद फरहान अली वारिस के घर की दो शहजादियाँ, उनकी आंखों के तारे, दो प्रिंसेसेस हमारे सेट पे आएंगी, सैयदा बाली सकीना और सैयदा आले सकीना जी। सलाम करते हैं। ये सब रूहे ईमान नूरे रमजान। ये जो प्रिंसेस है, ये हम सबके दिल की धड़कन है। इनकी कोई तस्वीर, कोई वीडियो अपलोड हो जाए तो आवाम क्रेजी सी हो जाती है। और ये जो हमारी छोटी मैडम है, ये अपनी मर्जी की मालिक है। हम कोई गारंटी नहीं देते इस बच्चे की कि ये किस मूड में क्या कर जाए। हम पहले ही डिस्क्लेमर दे रहे हैं, राइट फरहान भाई? ये मुझे लगता है कुप्पी पे चली गई है अपनी। हाँ जी फरहान भाई, ये बताइए कि आज हमारे साथ ये जो प्रिंसेसेस हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनसे फरमाइश कर सकती हूँ। सबसे पहले तो आप फुफ्फो की सीट पे बैठ जाएं, फौरन पीछे होके आराम से, कि जैसे ये आपकी अपनी सीट है। चलें जी, ये मेरी शहजादी पकड़ेंगी। आपका पूरा नाम क्या है जान? बताएं बताएं। सैयदा बाली सकीना। मैं सदके जाऊं आपके। अच्छा ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में हैं? ग्रेड वन सी। और आप कितने सालों की हैं? सिक्स इयर्स। और आपकी पिछले दिनों बर्थडे भी हुई थी और उसमें आपने इतना खूबसूरत ग्रीन रंग का ड्रेस पहना था। देखा, फुफ्फो को हर बात का पता होता है, फुफ्फो की हर खबर पे नजर होती है। अच्छा मेरी गुड़िया क्या सुनाएगी आज मुझे? आज मैं रसूल खुदा का वाकया सुनाऊंगी। चलो मेरी जान। हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपकी वालिदा का नाम बीबी आमना, और आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला, इसलिए, और आपके दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और आपके परदादा का नाम हजरत हाशिम, इसलिए आपकी खानदान को बनी हाशिम कहते हैं। आपकी विलादत 17 रबीउल अव्वल 1 रोज़े जुमा बवक्त सुबह शेब अबू तालिब में हुई थी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने रसूल खुदा को अपना नबी बनाया तो कहा कि मक्के वालों से कहो कि बुतों की पूजा ना करें, उस अल्लाह की इबादत करें जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। फिर उसके बाद मक्के वाले रसूल खुदा के दुश्मन बन गए। उन्होंने कत्ल करने का मंसूबा बनाया। जब ये बात अल्लाह ताला को पता चली तो अल्लाह ताला ने कहा
कि आज की रात अली को अपने बिस्तर पर सला दो और आप घर में चले जाओ। ये होती है तरबियत, ये होती है तरबियत जी मेरा बेटा। फिर क्या हुआ उसके बाद? मौला अली ने क्या कहा? मौला अली ने, अल्लाह ताला ने, रसूल खुदा ने कहा, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आज की रात आप मेरे बिस्तर पर सो जाएं। मौला अली ने कहा ठीक है मैं सो जाता हूँ, वो चादर उड़ के सो गए। और फिर शायर ने क्या खूब कहा, तो फिर 40 लोग भी तो आए थे, 40 लोग इकट्ठा होके तलवारें लेके आए, चादर हटाई तो कहा ये तो मौला अली सो रहे हैं, रसूल खुदा कहाँ है? मौला अली से पूछा, मौला अली ने कहा क्या तुम मेरे पास छोके गए थे जो मुझसे पूछो? शाहिर ने क्या खूब कहा, कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है। शाहिर ने क्या खूब कहा, कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है, चलता है तो लगता है कि अल्लाह का नबी है, अंगुष्ठ बदम रंग के मक्के के काफिर, सोया तो नबी है, जागा तो अली है। दोबारा नारा, नारा है दी, नारे है दी, यार माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी शहजादी माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका क्रेडिट मैं अपनी भाभी को दूंगी, अपने भाई को नहीं, सॉरी। अच्छा, और इनकी, और इनकी वालदा ने तो इनको याद कराया, लेकिन सबसे पहले जो ये सारी चीजें याद कराई हैं वो हम इनकी दादी ने, यानी हमारी अम्मी ने, जब हाँ वो क्योंकि जाकरा है वो बहुत अच्छी माशाल्लाह, हाँ तो उन्होंने सब बच्चों को घर में याद कराई, बाली सकीना को भी याद कराई, और उसके बाद फिर ज़ाहिर रिवीजन होता रहा, तो मैंने मिसेज से कहा कि भैया रिवीजन आप कराते रहिएगा, तो पूरे रास्ते रिवीजन भी करते आए, घर में भी इन्होंने पढ़ा था वाकया। और मुझे पता है आपके जो वॉइस नोट्स जाते थे मेरे बच्चे को, और जो वीडियो कॉल पे कहता है मैं गिन रहा हूँ पता नहीं कितने दिन हो गए हैं आपने नहीं किया, इसकी पेनल्टी होगी। मैं एक बात बताऊं व्यूअर्स, जब बाप ऐसा किरदार अदा करे कि वो बाप भी हो और दोस्त भी हो, तो बेटियां जो है ना फिर वो ऐसी निकलती हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इन दोनों बच्चियों को लंबी सेहत वाली, खुशियों भरी, अच्छी किस्मत वाली जिंदगी अता करे, आमीन आमीन सुबह आमीन। और काश दूसरे लोग भी अंडरस्टैंड करें कि बेटी कितनी बड़ी रहमत होती है, और बेटियों से जिंदगी को, नसीबों को 4 करोड़ चांद लग जाते हैं माशाल्लाह से। अच्छा मेरी गुड़िया और हमें क्या सुनाएगी? एक कलमा, कलमा सुनाइए, वो मैं बाबा के साथ पढ़ूंगी। अच्छा कलाम सुनाएगी, कलाम सुनाएगी, मैं चकड़े जाऊं बाबा के साथ। अच्छा आली सकीना भी सुनाएगी, दूसरा वाला माइक। अच्छा जी भैया चले, अच्छे 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 पढ़ोगी, चले सुनाइए। रोजा रखो रोजा रखो, आ गया रमजान, अच्छे अच्छे काम करो, आ गया रमजान, रोजा रखो रोजा रखो, आ गया रमजान, अच्छे अच्छे काम करो, आ गया रमजान, मस्जिदों में पहाड़े ये नाजियों की कतारे, कर सुन्नत पे अमल हम, आओ हम खुद को संवारे, हम्द पढ़े नात पढ़े और पढ़े कुरान, अच्छे अच्छे काम करो, आ गया रमजान, रोजा रखो रोजा रखो, आ गया रमजान, अच्छे अच्छे काम करो, आ गया रमजान। और इनके बा हूँ, ये मुझे बा कहती है, मैं शकील बा, आली सकीना बा कहती है, और ये बाबा नूर बानो भी फैसल को बा ही कहती है। अच्छा एक दफा मिल के हम अपनी बच्चियों के लिए माशाल्लाह कहें, 1 2 3 गो माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की नजर से इन्ना तैना ब्रेक लेगी, आपने कहना हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सॉरी फरहान भाई आपको हमने फायर कर दिया। हाँ हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एहसान रोजे नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान नूरे रमजान।